नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा केलका, मैं मानसोपचार तज्ञ हूँ। आज मैं आपको स्किजोफ्रेनिया इस बीमारी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। स्किजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जो विचारों की अस्थिरता की वजह से निर्माण होती है और जिसमें सही और बुरे की समझ बुद्धि कम हो जाती है। ये जीवन के कोई भी पड़ाव में हो सकती है, लेकिन 15 से 25 के बीच में होने की संभावना बढ़ जाती है। ये किस कारण होती है? तो ये जीवन में तनाव बढ़ने की वजह से होती है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तनाव की वजह से वो केमिकल्स का लेवल कम ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से ये बीमारी शुरू हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? तो इसमें बिना वजह रोना आना, बिना वजह हंसना, बिना वजह बड़बड़ करना, शक की बीमारी, अपने आसपास के लोग, घर के लोग, इन पर बिना वजह शक करना, इनको ऐसा लगता है कि हमारे विरुद्ध ये कुछ प्लान कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि हमें खाने में कुछ मिला के, जहर मिला के मारने वाले हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और वो सब हमारे दिन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर वो रास्ते से चल रहे हैं तो उनको शक होता है कि लोग हमें देख के हंस रहे हैं, कुछ तो भी बात कर रहे हैं, जिसको हम डेल्यूजन कहते हैं। कुछ लोगों को संबंधित असंबंधित लोगों की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें उनको उपदेश देती है, आदेश देती है, डराती है, धमकाती है, और कुछ दिनों में वो आवाजें उनको अपनी लगती है और वो उनको रिस्पॉन्स देने लगते हैं। वो आवाजों से बातें करने लगते हैं और वो आवाजें जो बोलती है वैसा करने लगते हैं। आवाजों का सुनकर वो किसी को मार भी सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। इन आवाजों को हेलुसिनेशंस ऐसा कहते हैं। इसके साथ नींद न आना, भूख न लगना, खुद का ख्याल न रखना, ये तकलीफ भी हो सकती है। क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, ये बीमारी ट्रीटमेंट पे ठीक हो सकती है। साइंस ने तरक्की की है कि अगर हम ट्रीटमेंट ठीक से लें तो ये मेडिसिन हमको ठीक कर सकते हैं और मेडिसिन पे हमारा जीवन बिल्कुल सही चल सकता है। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये भी एक प्रकार की ट्रीटमेंट है। अगर मनोरुग्ण मानसिक स्थिति से ठीक हो गया तो फिर काउंसिलिंग सेशंस भी लिए जाते हैं, जिसमें उनको आगे भविष्य के बारे में क्या क्या उन्हें करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मानसिक रोगी के साथ उनके घर वाले जो इनका ख्याल रखते हैं, उन लोगों के भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिनमें उनको कैसा ख्याल रखना है, उनकी आगे की जिंदगी कैसे करनी है, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। अगर हम ठीक से दवाई लें, साइकेट्रिस्ट की सलाह लें, तो हम जिंदगी में वापस खड़े हो सकते हैं। हमारे समाज में बहुत गलत चीज फैलाई जाती है कि ये बीमारी देवी के प्रकोप से या फिर कुछ पिछले जन्म के पाप है उसकी वजह से होते हैं, और हम भगवान के पास जाना या फिर बोधु बाबा के पास जाना और पैसा और वक्त बर्बाद करना, और इस टाइम में अगर हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो ये बीमारी कंट्रोल में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम अगर हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को वापस जिंदगी में खड़ा करना है तो साइकेट्रिस्ट की सलाह लें, उनका मार्गदर्शन लें। इस विषय में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे केलकर तुअणकर साइकेट्री हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9975726836। नमस्कार।